हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आरपीएससी द्वारा एफएसओ यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो एग्ज़ाम हुई थी 25 तारीख को, उसके जो आंसर किए हैं वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सारे 150 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रह सकती है। कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, एडब्ल्यूएस और एमबीसी की। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएसओ की जो आंसर की है, आरपीएससी की जो पेपर हुआ था 25 तारीख को, तो उसका जो आंसर किया है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर वन, जेल का उदाहरण, इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा मक्खन। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है। तो आपको इन चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा जो युग्म वो है बेमेल। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर, कोशिका झिल्ली एकल परत। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, किसी भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए वाटर एक्टिविटी का सीमांक का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा, एडब्ल्यू 0.91 से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न की जाती है तो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा, एस्परलिज्म जाति द्वारा। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से कौन से बैक्टीरिया अल्फा टॉक्सिन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्लोस्ट्रिडियम प्रिफिन्स। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, नाइट्रोजन के आकलन के लिए विधियाँ हैं। नाइट्रोजन के आकलन के लिए विधियाँ, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर होगा, ड्यूमा तथा केलडॉल विधि। ड्यूमा तथा केलडॉल विधि ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, आमतौर पर सोक्राट किससे तैयार किया जाता है। तो सोक्राट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर होगा, पत्ता गोभी से। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव बियर और वाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है एवं इनका किण्वन अंतिम उत्पादन है। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर वो होगा, सेक्केरोमाइसिस सेरेविसिस एथेनॉल। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें कि इसका आंसर ये नहीं ये। अगर आपको ये लगता है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा तो उसका हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन जरूर भेजें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से किसका किण्वन कोजी द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का होगा, सोयाबीन द्वारा। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण से कितने जीटीपी प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर होगा 36। ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है, एगेरिकस बाइपोर्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो करेक्ट आंसर वो होगा, एक खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, वसीय अम्ल ऑक्सीकृत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्फा एवं बीटा ऑक्सीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, कैप्टोफॉल एक है, कैप्टोफॉल क्या है, फफुंदी नासी। ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्त स्रावी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का करेक्ट आंसर होगा, विटामिन के। तो विटामिन के है वह है प्रतिरक्त स्रावी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है। एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर वन, ये संकीर्ण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में मिथाइल व एथाइल एल्कोहल का विषहरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कच्चे अंडे के सफ़ेद हिस्से के उपभोग यानी खाने से निम्न से किसकी कमी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा, बायोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वर्गीकरण की पांच जीव जगत पद्धति में कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा, विषाणु, वायरोडिट्स व लाइकेन। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आपको दो सूची दी हुई है, दोनों को सम्मिलित करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी ए में वन होगा, बी में टू, सी में थ्री व डी में फोर। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
21, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राकेंद्री के बारे में क्या सत्य नहीं है? अब प्राकेंद्री के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, ये कथन इसका सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से केट फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? केट फिश का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलेगा अट्टू, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न से कौन सा रक्त स्कंदन कारक हेगमैन फैक्टर कहलाता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फैक्टर 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, आपको दो सूची दी हुई है, दोनों को सम्मिलित करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी MA4, BMA1, CMA2 व DMA3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, यदि वसा श्वसन सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा एक से कम, लेस देन वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, थायरोक्सिन T4 तथा ट्राई आयोडोथायरिन T3 के अतिरिक्त जो थायरॉइड ग्रंथि स्रावित करती हैं वो क्या करती हैं? क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्सीटोनिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, उत्तक संवर्धक में कैलस है, उत्तक संवर्धक में कैलस है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर वो होगा, एक असंगठन सक्रियता के विभाजन होने वाला कोशिक समूह जिसके उत्तक संवर्धन में अनुरक्षित रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बीटी जीविसम जीविस के बारे में क्या सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर वो होगा, निष्क्रिय पराजीविस कीटों के आंत्र में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आमाशय का प्रोटीनिली एंजाइम है, जो आमाशय है उसका प्रोटीनिली एंजाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रमिक पोषस्त्रण व विषाक्त जो ना हो तो उपचयिता होते हैं तथा और ना कि उत्सर्जित होते हैं एवं भंडारित होकर सादरता में वृद्धि होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्न करण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा जैवोपचारण, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित समूहों का माध्य माध्यक एवं बहुलक निकालना है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर फोर माध्य होगा 55.53, माध्यक होगा 54.44, बहुलक होगा 53.08, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्राजीव प्राणियों में से किसके वाणिज्य उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 1, गाय का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मांग और मूल्य के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट धनात्मक सह संबंध, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के जयपुर अजमेर टोंक एवं दौसा जिले किस कृषि जलवायु उपखंड के अंतर्गत आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा 3A, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कृषि वानिकी पद्धति जिसमें कृषि एवं वानिकी फसलें सम्मिलित हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में करेक्ट आंसर होगा कृषि वन रक्षक पद्धति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मूंगफली की झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है? तो झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 36 में गिरनार 2, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मानक विचलन का सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 37 में होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आम में स्पंजी उत्तक के संवेदनशील किस्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 में होगा अल्फांसो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म सफेद रंग के कंदों का उत्पादन देती है? क्वेश्चन नंबर 39 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बीमा शुभ्रा, बीमा शुभ्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अर्का रक्षक एक प्रमुख किस्म है, किसकी किस्म है? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर टमाटर की, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बुनियादी पशुपालन संघीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में दूध उत्पादन कितना था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा 170 से 180 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पंत रागिनी किसकी किस्म है? पंत रागिनी किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर 3 मेथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सरसों के संबंध परजीवी खरपतवार है, तो इसका 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओरो बेंकी, ओरो बेंकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओरो बेंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भारत में स्थान है, यानी भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है दूध में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर 3। भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी खोवा बनाने के लिए, खोवा बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग है वो किया जाता है दूध का भारत में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गाय का गर्भावधि दिन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 280 से 285, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नवजात बछड़े को खीस खिलाने की दर होती है तो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी शारीरिक भार का 10%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। साधारणतः मक्खन को किस में पैक किया जाता है? तो इसका 48 का करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम फॉइल में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्तस्रावी सेप्टिसिमिया का प्रेरक कारक है, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेस्टुरिला मल्टोसिडा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसबगोल में वजन के अनुसार भूसी बीज का अनुपात है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा 25:75, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, फसाई अधिनियम संसद में जारी करने का वर्ष कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट वो है 2006 एवं 2011, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 53, गलत तरीके से दवाई देने से होने वाले जानवरों में न्यूमोनिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर का ड्रेनविच न्यूमोनिया, ड्रेनविच न्यूमोनिया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। फल भंडारण में निम्न से किसका उपयोग एथाइलिन मार्जक के रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन नंबर 3 101 धाराएं। कशाघात क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? कशाघात क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40%, 30 से 40%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, भोजन में परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन सर्वाधिक मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट भोजन में सबसे ज्यादा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, तय मानकों के आधार पर फल पानक में कम से कम फलों का रस गूंदा जाता है, कितना फलों का रस होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 से 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पंजीकृत एवं अधिनियम अनगिनतम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां विद्यमान है? तो इसका करेक्ट आंसर 59 का होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। लाल अम्लीय फलों की डिब्बाबंदी के लिए प्रयुक्त डिब्बों का प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा आर इनेमल, आर इनेमल ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, फल एवं सब्जियों की कटी हुई सतह में प्रकीर्णन भूरापन आने का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है फिनोलस का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा फिनोलस का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा
ताजी सब्जियां उगाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ताज़ा सब्जियां उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है जो 16 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा मिट्टी की पीएच 6-7 पर पैदा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा एवोकेडो, ऑप्शन नंबर 3। एवोकेडो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, दुर्गीकरण के पुराशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल के से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का होगा बालाथल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुआ है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर वो होगा हड़प्पा युगीन संस्कृति, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा वर सिंह ने, वर सिंह ने, ऑप्शन नंबर 2। युवान द्वारा उल्लेखित पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो 67 का करेक्ट आंसर होगा भीनमल, ऑप्शन नंबर 2 भीनमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है? तो 68 का करेक्ट आंसर होगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान के किस जिले में टिडिकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? तो 69 का करेक्ट आंसर होगा अलवर, ऑप्शन नंबर 1। राजपूतों की विदेशी धरती का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल टॉड द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। संप्रदास चारण ने राजस्थान समाचार समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? 71 का जो करेक्ट आंसर होगा 1885, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देशराज, देशराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 73, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 3 पी जीवाधर, पी जीवाधर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, एक्की आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, 1903 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन नंबर 75 में ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 1 1907 ईस्वी, स्वामी गोपाल दास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रमुख प्रथम शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 3 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 78, गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? 78 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 58 में डूंगरपुर के पालपट्टा में होता है, ये कथन है वो असत्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 79, रकुनुद्दीन शाहद्दीन रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर शैली से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, त्रिकुटाकृति का 99 वर्षों वाला दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? 81 का करेक्ट आंसर है दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? 82 ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? 83 में करेक्ट आंसर होगा 1883, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो 84 का जो करेक्ट आंसर वो है हड़बू जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85,
चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित? ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है सूर्य को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं संख्याकारिका ग्रंथों की रचना किसने की? 86 में करेक्ट है ऑप्शन नंबर वन चतुर सिंह ने। नेक्स्ट है 87। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 87 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री बेराट। नेक्स्ट 88। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? 88 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर सलेमाबाद। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 89। धोलीदूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर लालदासी। नेक्स्ट है 90। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 91। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री मनरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन कुआ पूजन के समय। निम्नलिखित आपको रचनाकार दिए हैं और उनके साहित्य, इन दोनों को सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। ए में दो, बी में चार होगा, सी में एक होगा, डी में तीन होगा। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है गुर्जर प्रतिहार कालीन। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च शिखर है? 95 का करेक्ट आंसर होगा चार तारागढ़। ऑप्शन नंबर फोर। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। निम्नलिखित राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है 98। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 17 के बीच निम्नलिखित किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर है हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा थ्री जालौर, सिरोही, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। 101। राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक महत्व दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में वन विभाग राजस्थान के गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से किस संस्था ने सहयोग करार किया है? तो 102 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। 103। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर जालौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई है? तो 104 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री 2010 में। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल। बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के नजदीकी खमनौर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सूची वन दी हुई है जिसमें खनिज है, सूची टू है जिसमें खनन क्षेत्र है। तो 106 को आपको सूची है वो सम्मिलित करनी है। 106 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए में दो, बी में चार, सी में एक, डी में तीन। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट 107 है आपको जिले दी हुई हैं एक सूची में, नेक्स्ट सूची में दिए हैं आपको जिले दिए हुए हैं तो इन दोनों को आपको सुमेलित करनी है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में कौन सा स्थान राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, ये
सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, यह सीमेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, 109 का करेक्ट आंसर होगा, भूपाल सागर में। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको सूची फर्स्ट में स्थान दिए हुए हैं, सूची सेकंड में उद्योग दिए हुए हैं, तो इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो इस 110 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर टू, ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा 110 में। 111 निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है, 111 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, आर स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राजस्थान की 1 मेगावाट सोलर पावर परियोजना अवस्थित है, तो 112 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर फतेहगढ़। ऑप्शन नंबर फोर फतेहगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रेनेट मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है, 113 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, रूपनगढ़ अजमेर। नाथरा की पाल है तथा मोरिजा बेनाल क्षेत्र में खाने हैं। क्वेश्चन नंबर 114 करेक्ट आंसर होगा लोहा एस की। ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, 115 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, राजस्थान की पुलिस अधिकारी जिसने दक्षिणी सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया, 116 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन, कमल शेखावत। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य वो सत्य नहीं है, तो 117 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ये वितरण निगमों प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तथ्य वो सत्य नहीं है। बायतू कांसल एवं कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, 118 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, तेल एवं गैस। क्वेश्चन नंबर 119, राजस्थान की पायल जांगिड को अमेरिका में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला है, किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर होगा हिंसला जिला अलवर। ऑप्शन नंबर थ्री। FSSAI भारत में, यानी कि फसाई भारत में खाद्य सुरक्षा की नियामक संस्था है। अक्टूबर 2019 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर फसाई ने कई नई फसल की निम्नलिखित में से कौन सी एक उनमें सम्मिलित नहीं है, तो 120 का जो करेक्ट आंसर वो होगा खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता किया गया, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 में निम्नलिखित युग में से उस युग में चयन कीजिए जिसमें दोनों सदस्यों ने भी ईस्ट डफलों के साथ अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर वो होगा माइकल केमर और अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है, राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक पाया जाता है, 122 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, अंजनी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 123, अबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, ऑप्शन नंबर वन ग्रेनाइट से। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, श्रीपति आर भट्ट, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सूची वन में खनिज दिए हुए हैं, सूची टू में उत्पादक जिला दिया है, तो इन दोनों को सम्मिलित करनी है। 125 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है योकोहामा जापान में FAO का क्या है, 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, संपर्क कार्यालय है। नेक्स्ट है 127, अभी अहमद अली के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही उत्तर को चुनें, तो 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कथन जो बी है वो सत्य है, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति सितंबर 2019 में किस स्थान पर मिले, 128 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, फ्रांस। 21 अक्टूबर 2019 जिस राज्य या जिन राज्यों की विधानसभा के
मतदान की दिनांक थी वो किसकी थी? 129 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। एनसीईआरटी ने विद्यालय प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया है, इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है वो क्या है? तो 130 का जो करेक्ट आंसर वो होगा निष्ठा, ऑप्शन नंबर 3। 131 भारतीय प्रधानमंत्री की 17 और 18 अगस्त 2019 को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश में रुपये कार्ड का शुभारंभ हुआ था? तो 131 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भूटान। 25 सितंबर 2019 को ग्वालियर में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसका क्या नाम था? 132 का ऑप्शन नंबर 3, मिग 21। नेक्स्ट है, उस शहर को पहचानिए जहां राजस्थान सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया है। तो 133 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित बलों में से किसने जुलाई 2019 में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया? बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन निशानेबाजी संबंधित नहीं है? तो 135 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिकी शेखावत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 1985 में पारित होने के बाद जब से लागू हुआ वह तिथि है? तो 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 13 फरवरी 1986। बिस हॉलमार्क को भारतीय मानक के रूप में जिनके लिए उपयोग लिया जाता है? तो 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्वर्ण और रजत उत्पादक। वर्तमान जेल महानिदेशक राजस्थान के कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4, NRK रेड्डी, ऑप्शन नंबर 4। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 को कब? ऑप्शन नंबर 1, 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का जो पीएच होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2, 6.8, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, 141 एसिटिक अम्ल का पीकेए मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2, 5.65। नेक्स्ट है 298 केल्विन पर केडब्ल्यू का मान है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर 3, 1×10⁻¹⁴, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्विकोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा m^(-1)L^(-1) यानी m^(-1)L^(-1)ML^(T) इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। Cl3 की आणविक ज्यामिति है? क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर होगा टी आकृति। Cl3 आणविक ज्यामिति वो है टी आकृति, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, आपको अभिक्रिया दी हुई है इसका मुख्य उत्पादक क्या है? 145 में जो अभिक्रिया दी हुई है इसका जो मुख्य उत्पादक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, RCS2OH, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको अभिक्रिया क्वेश्चन में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 146 में उपरोक्त अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1, राइमर टीमान अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 1 146 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, गेमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा C6H6Cl6। नेक्स्ट है 148 अभिक्रिया आपको दी हुई है इसका मुख्य उत्पादक है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एनहाइड्राइड, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 148 का। 149 डिलहेडन अभिकर्मक होता है, डिलहेडन अभिकर्मक होता है 149 में, ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोसिल्क क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोकॉल की रासायनिक संरचना है, फिनोकॉल की जो रासायनिक संरचना है वो कौन सी होती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ओके दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने आज आपको बताए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा जो FSO की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कितनी रह सकती है, तो कैटेगरी वाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।